प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी होलिका दहन के लिए लकड़गंज में आड़जात की लकड़ियों को बेचने के लिए लकड़ा व्यापारी तैयार है। होलाष्टक से लेकर होलिका दहन के दिन तक प्रतिदिन कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर होली में जलाने के लिए लोग तैयार रहते हैं। शहर के कुछ मंडल के कार्यकर्ता अपने परिसर में होली जलाने के लिए लकड़गंज से लकड़ा वाहन में भर रहे हैं। होली के लिए खासतौर पर आड़जात लकड़ी की कई प्रकार की जाति की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। हीवर, साजा, आजन, पलसा, धोबन, मुबई, महुआ, आम, लेंडा, करई, नीम, काट्यावर, धावड़ा आदि आड़जात लकड़ी का होली दहन में उपयोग किया जाता है। हर वर्ष होली में ज्यादा से ज्यादा 1000 किलो यानी 1 टन का लकड़ा होली में जलाया जाता है। इस वर्ष 160 रुपए से लेकर 180 रुपए मन का भाव बताया गया है। दर्शकों, इस समय में इनविजिबल की टीम आई है लकड़गंज के उस परिसर में जहां पे होली के लिए बड़ी मात्रा में जो लोग आड़जात की लकड़ियां लेते हैं, ये वही लकड़ी है जहां पे लोग होली के लिए, होली दहन के लिए यही लकड़ा यूज करते हैं। इस समय में हम ऐसे एक टिम्बर मार्ट में आए जहाँ पे खुद रामकृष्ण तिवारी जी हमारे साथ में मौजूद है, जो कि इस टिम्बर के मालिक है, उनसे जानना चाहेंगे। तिवारी साहब, ये बताए कि जिस तरह से होली में ये जो लकड़ा यूज किया जाता है, तकरीबन क्या क्या भाव है और कितने बड़े पैमाने पर ये लकड़ा जाता है? 160 से 180 रुपये तक इसे क्या नाम है किलो से दिया जाता है, यानी मन से, और टन से 4500 रुपये टन तक, 4500 से 4000 रुपये टन। सर, ये बताए कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष क्या कहना चाहेंगे, होली में क्या लोगों का भीड़ लग चुकी है, लोग लेने के लिए कितने उत्साह दिखाई दे रहे हैं? मैं उतना उत्साह नहीं है, पिछले वर्ष हर दर वर्ष टू वर्ष कम होते जा रहा है, काम धंधा कम ही है। क्या वजह क्या है? अब व्यापार जैसे ठंडा ही चल रहा है चारों तरफ, उसके कारण ही वही कारण है। हर मंदी है हर जगह, यानी 5 साल से, करीबन 5 साल वर्षों 5-6 साल पहले से इस तरीके से चल रहा है काम। इस वर्ष क्या भाव है पिछले वर्ष की? 160 से 180 रुपये मन। तो जिस तरह से इन्होंने ये बताया कि 160 से लेके 180 रुपये मन तक का लकड़ा जो है होली के दिन इनका पूरी तरह से चले गया है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष का जो कारोबार जो था वो ठंडे बस्ते में रहा, ऐसा इनका मानना है। और एक बात इन्होंने कहा कि जैसे कि प्रदूषण है और लोगों का फ्लैट में रहना हो गया है, इस तरह से लोग जो है होली कम ही जलाते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों में जो उत्साह है वो भी महंगाई की मार को लेकर उत्साह भी कम है, लेकिन उत्साह भले कितना भी कम हो लेकिन होली का यह पर्व बदस्तूर मनाया जाता है। जहां 1 मन की लकड़ियां लोग लेके जाते थे, वहां 1/2 मन भी लोग लकड़ियां लेके होली का दहन करते हुए नज़र आते हैं। तो इस प्रकार की ये बात आज तिवारी जी, जो कि यहां मर्चेंट के व्यापार ही है लकड़ा के, उन्होंने इस समय हमारे से ये बात की है। अब हम आपको सीधा लेके चलते हैं कि किस तरह से गठिया जो होती है सफ़ेद, उसका मार्केट क्या कहता है। अब हम उसके बारे में आपको पल पल की जानकारी देने जा रहे हैं।